हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये बेबी गर्ल ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए इसकी मार्किंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड करके लिया है और शोल्डर में यहाँ पर 4.5 इंच रखूँगी, तो एक मार्क कर देंगे। और नीचे भी सभी यहाँ से भी हम 4.5 पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पर 4.5 ही रखेंगे इसकी। तो इस लाइन को अब मैं सीधा कर दूंगी यहाँ पर। तो देखिए इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 16 इंचीज रखी है, 15 इंचीज मुझे यहाँ पर ये टॉप रेडी चाहिए। तो 1 इंच ये फोल्ड जाएगा नीचे ऊपर से। अब इसके हम यहाँ पर चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट की मार्किंग जो करेंगे हम, चेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर देंगे जितनी भी आपकी टोटल चेस्ट है। तो मेरी 24 है तो मैं यहाँ पर 6 पर मार्किंग की है। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़कर 7 इंचीज पे मार्क करेंगे। नीचे से हमें 7 इंचीज पे मार्क करना है, बॉटम थोड़ा कर्व में रखना है हमें। और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के, मार्जिन लेकर के आर्म होल में गोलाई दे देनी है और यहाँ पर हमें कटिंग कर देनी है जहाँ पर हमने मार्किंग की है सेम निशान पर। तो देखिए कट कर दिया है। इसके बाद हम पीछे का हिस्सा एक निकाल देंगे इसमें से और अगले वाले में हमें नेक कट करना है। नेक के लिए 1 इंच यहाँ पर विड्थ रखेंगे और लेंथ हमने 2.5 इंच ले लेनी है और यहाँ पर गोलाई दे देनी है हमें इसमें और इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो हमारे मेन पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड फैब्रिक रखा हुआ है मैंने यहाँ, तो डबल फोल्ड में 25 है और टोटल लेंथ इसकी हमारी 50 इंचीज है। और आगे से मैंने इसको तिरछा कट किया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। और हमने इसकी विड्थ रखी है यहाँ पर 4 इंचीज की। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा ये आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारी 1.5 इंच की रेडी रह जाएगी पट्टी। इसके बाद हम नेक के लिए और आर्म होल के लिए रेब की पट्टी कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 4-5 पट्टियाँ कट कर ली हैं ये। इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लिया है। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट कट कर लेंगे। उसके लिए मैं 1 इंच नीचे निशान लगाऊंगी फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हमें इसमें ऊपर 2 इंच की रफल ऐड करनी है, तो वो हम छोड़ देंगे 2 इंच। 10 इंच रेडी करना है हमें ये, तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, देख लीजिए। अब इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी और नीचे वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हमें ऊपर से अपनी जितनी भी आपकी हिप साइज है उसका आपको 4th पार्ट करना है, प्लस उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर 24 है, उसका 4th पार्ट करूँगी 6 आएगा और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। नीचे भी मैं सेम 7.5 पर ही मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद मैं इन दोनों निशानों को सीधा कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के लिए भी ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि बेल्ट आएगी। उसके बाद हिप साइज में डिवाइड बाई 4 करेंगे और प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो हमारा 7.5 पे हम ये मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे इसके बाद इसमें। और जो नीचे निशान है उसको हम इस तरह से 1 इंच का छोड़ करके सीधा कर देंगे कर्व में थोड़ा सॉरी। और उसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है, हमने कटिंग वहीं पे करनी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है और इसको साइड से भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद बाकी बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रख देंगे। बैक में हमें ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ा के रखना है कपड़ा, ये देखिए इस तरह से, और इसको तिरछा मिला देना है कोने तक। इसके बाद आसन में भी हमें इसे इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लेना है इस तरह से। हमें
यहाँ से भी हम 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद तो इधर हम नीचे सेम जैसे फ्रंट में है वैसे ही मार्किंग कर लेंगे और जहाँ निशान लगाया है उसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें ये थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है तो उसके साथ ही कटिंग करनी है यहाँ से इस तरह से और ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। इसको भी हम साइड से कट कर लेंगे इसी तरह से, जिसको हम 2 पीस कर देंगे इसके भी। इसके बाद इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कट की है ऊपर जो रफल ऐड करेंगे उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 इंच लेंथ ली है उस पट्टी की और डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 2 इंच की रेडी हो जाएगी, आधा आधा इंच सिलाई में चली जाएगी। और इसकी विड्थ हमने जो रखी फ्रंट पेज की हम 7.5 रखेंगे और बैक की हम 2 इंच बढ़ा के रख लेंगे। तो दोनों के लिए पट्टी काट लेंगे इसी तरह से, हम बैक के लिए भी ऐसे ही कट कर लेंगे फ्रंट की। ये मैंने बेल्ट के लिए यहाँ पर फैब्रिक लिया है, 2.5 इंच की इसकी विड्थ ली है और डबल फोल्ड रखा है और 40 इंच की टोटल लेंथ है यहाँ पर। तो इस तरह से मेरी ये पट्टी कट हो गई है। अब हम 3 लूप्स के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। 2.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है और 1.5 इंच विड्थ की हमने 3 पट्टियाँ हमने रेडी कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों का आसन जोड़ लेंगे। तो आसन पे सिलाई लगा लेनी है हमने, तो दोनों में हमें ऐसी सिलाई लगानी है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने जो अपनी लूप्स है वो रेडी कर लेंगे। हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो तीनों को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँ। तो देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है तीनों लूप्स। इसके बाद मैं अपना फ्रंट जो पार्ट है वो लेंगे हम, उस पर दोनों सेंटर में इस तरह से लूप्स रखेंगे ये। इसके बाद जो हमने रफल के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया है उसको इस तरह से रखेंगे, रोंग साइड से रखना है हमें। और लूप्स भी हमने साथ में ही अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं रोंग साइड से रख करके सिलाई लगा दूँगी। जो ये हमने लूप्स बनाई हैं जिनमें हम अपनी टाई ऐड करेंगे, बेल्ट जिसको बोलते हैं वो ऐड करेंगे, तो इनको भी हम साथ में इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेरी जो सिलाई है मैंने कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। तो इसको एक बार इस तरह से नेल्स से कर देंगे अंदर, जिससे कि ये फोल्ड नहीं होगी अंदर से। और इसको ऊपर से इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे एक बार। तो ये बाहर की साइड हमने फोल्ड किया है एक तरह से, इससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी आती है अगर हम बाहर की साइड इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम 1 इंच की इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम 1-1 इंच पे मार्क करके इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद ये लूप्स हमें इसी के साथ में सिलाई लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। और पीछे हमें सेंटर में लगानी है एक लूप। हमने 3 लूप यहाँ पे तैयार की थी तो हमें एक पीछे की साइड में सेंटर में अटैच कर देनी है इसी तरह से, जैसे हमने आगे लगाई है ऐसे ही हम पीछे वाले पे भी अटैच करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 19 इंचेस की इलास्टिक कट की है। तो इसको मैं डबल फोल्ड करके इसको कट कर लूँगी बीच में से, आधी हम आगे के हिस्से में डालेंगे और आधी पीछे के में। तो इस तरह से हम पिन की हेल्प से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको अच्छे से इसमें अंदर की साइड सिलवट ना आए तो इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा कर, पक्की सिलाई लगानी है हमें यहाँ पर ये। तो मैंने सिलाई लगा ली है, उसके बाद मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी जितना हमने 1 इंच रखा था नीचे, तो उसको रखते हुए हम फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे चारों पार्ट्स में इनमें ऐसी सिलाई लगा दूंगी नीचे फोल्ड करते हुए। इसके बाद जो हमने टाई आगे की साइड इसमें लगानी है
जो लूप्स बनाई थी उसमें हमने बेल्ट अटैच करनी है। उसके लिए जो हमने पट्टी काटी थी तो उसको हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से रख करके डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से हमें एक ही पट्टी तैयार करनी है इसके लिए। तो उनको मैंने आपस में ज्वाइन कर लिया था और इसको मैंने सीधा करके ले लिया है। देखिए तो दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो निकर पार्ट रेडी करने के लिए हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की साइड हमें सिलाई हमेशा पक्की लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइड की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है इसको। इसके बाद हम जो बीच की लेग्स की सिलाई होती है वो हमें लगा। तो इस तरह से हम दोनों पल्लों को रखेंगे और ये बीच की सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक सिरे से शुरू करेंगे और दूसरे सिरे तक हम इस तरह से, और ये सिलाई हम यहाँ पर डबल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो हमारा शॉर्ट्स जो है रेडी हो गया है। तो लूप्स के साथ हम जो हमने बेल्ट रेडी की है वो डालेंगे। और देखिए टाई लगा करके ये हमारा शॉर्ट्स रेडी है। अब हम टॉप को सिलेंगे। तो टॉप के लिए मैं सबसे पहले नेक और आर्म होल रेडी करेंगे। इसके लिए मैं टॉप को सीधी साइड से रखूँगी और ये हम जो हमने उरेब की पट्टी काटी थी उसको इस तरह से अटैच करेंगे आर्म होल में। और इसके बाद इसको रोंग साइड में हम पलट लेंगे इस तरह से, और हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से रोंग साइड में रखते हुए हम इसके टॉप से एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से इसके, इसी के ऊपर सिलाई लगानी है ये। और इसी तरह से मैं अपना नेक, फ्रंट का नेक और बैक का पार्ट भी पूरा आर्म होल के साथ रेडी कर लूँगी। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर देंगे। ये देखिए आर्म होल रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से देखिए मैंने अपने बैक के जो है दोनों आर्म होल रेडी कर लिए हैं, और फ्रंट के भी मैंने यहाँ पर नेक और आर्म होल रेडी कर लिए हैं। इसके बाद जो हमने नेक के लिए पट्टी ली है वो लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके, सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है। और मैं सेंटर से यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क करूँगी। तो ये मार्क हमें दोनों साइड रखना है, आगे और पीछे। इसके बाद इसको खोल करके हम देखिए अभी देखते हैं। तो ये दोनों साइड हमने मार्क लगा लिया है। इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट यहाँ पर रखेंगे और जहाँ हमने 2 इंच का मार्क लगाया है वहाँ पर फ्रंट पार्ट का हम शोल्डर लेंगे, आर्म होल लेंगे मतलब, और फिर नेक और ये हम चारों जगह इस पे निशान लगा लेंगे। एक नेक के पास लगाएंगे और एक आर्म होल के पास इसी तरह से। और जो हमने ये अपना आगे का पेच रखा है ये हमने रोंग साइड से रखा है। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, रोंग साइड से रखा है हमने ये। इसके बाद हमने दूसरा पेच लेना है अपना बैक साइड का। उसको हम उसका आर्म होल हमें ऐसे ही बिल्कुल जहाँ हमने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ रखना है, और दूसरा हमने साइड में रख करके निशान लगा लेना है जहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ हम स्टिच कर देंगे पूरे पे, सिलाई लगानी है हमने। तो देखिए अब मैं एक साइड से स्टार्ट करूँगी इसको, एक आर्म होल से जहाँ निशान लगाए थे हमने। यहाँ से आप चाहे तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं जिससे आपका ये नहीं खिसकेगा, बट मैंने मार्क लगा लिया है। तो मार्क के साथ ही मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी अपनी। तो यहाँ तक स्टिचिंग की हमने पहले, उसके बाद हम दूसरा जहाँ हमने निशान लगाया था तो वहाँ हम इसका नेक रखेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे ये एंड तक। तो देखिए हमारा एक पार्ट जो है जुड़ गया है। बीच में हमारा 4 इंच का जो गैप आया था वो हमने ऐसे स्टिच कर दिया है सिंपल। इसके बाद हम बैक पार्ट रखेंगे और बैक को भी मैं निशान के, और ये ध्यान रखिएगा मैंने जो फैब्रिक रखा है अपना जो मेन पार्ट रखा है वो रोंग साइड से रखा है, जो आगे और पीछे के हिस्से हैं
वो रोंग साइड से ही रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद ये देखिए मेरी सिलाई लग गई है, और मैं इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके मैं इसे प्रेस कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है इस पे पूरे पे। अब इसको मैं यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। तो ये सिलाई हमारी जो आएगी ये रोंग साइड ही आएगी, जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, और पीछे की साइड इसके हमारा फ्रंट साइड है हमारी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको अंदर करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। प्रेस करने से हेल्प ये मिलेगी कि हमारा फैब्रिक खिसकेगा नहीं, और हम इजली एक साथ स्टिच कर सकते हैं इसको आराम से। बार बार हमें फैब्रिक पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। देखिए इस तरह से हम, तो हमारी सिलाई लग चुकी है। दोनों जो फ्रंट और बैक के पार्ट है वो इसमें पट्टी लग गई है उस पर। अब जो हमारी बची हुई पट्टी है उसको मैं एक साइड से, एक किनारे से रोंग साइड से लूँगी, और इस पर मैं जहाँ हमने कोना बनाया था वहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब इस कोने को मैं हल्के से कट लगा देंगे, जिससे कि ये अंदर की साइड इजली फोल्ड हो जाएगा। सीज़र की हेल्प से ये कोना हम सही से निकाल लेंगे बाहर। इसके बाद मैं इसको इस तरह से रखते हुए, क्योंकि मैंने प्रेस की है पूरे पे, तो इसके बाद मैं एक किनारे से रखूँगी इसको, और डबल अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जो अंदर का फैब्रिक है। तो मैंने एक साइड की अपनी जो पट्टी है वो रेडी कर ली है इस तरह से सिलाई लगाते हुए। और जिस तरह से मैंने ये रेडी की है उसी तरह से दूसरी साइड की भी तैयार कर लूँगी यहाँ पर। ये देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये टॉप की जो पट्टी है ऊपर की वो रेडी कर ली है यहाँ पर लगा करके। अब मैं इसमें साइडों में दोनों में मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लूँगी, और नीचे से फोल्ड भी कर दूँगी। तो जो हमने एक इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था साइडों में मार्जिन, वो रखेंगे, और नीचे से हाफ इंच रखा था पौन इंच के आसपास, तो वो भी हम उसी तरह से सिलाई लगाते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही हम। और उसके बाद मैं नीचे से इसको फोल्ड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको नीचे से फोल्ड कर दूंगी पूरा घेरा जो नीचे का है हमारा। तो हमें इसमें नीचे की साइड हमने लगभग हाफ पौना इंच रखा था, तो उसी को हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेरी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा टॉप जो है बनकर रेडी हो चुका है, सिलाई लग चुकी है मेरी साइडों की और नीचे की भी। और इसमें देखिए मैं नोट लगा करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये सुंदर सा टॉप बनकर रेडी है। तो ये आपको सेट कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, शॉर्ट्स और टॉप। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।